के साथ, नई उम्मीदों के साथ। सर चैप्टर का नाम क्या है नेक्स्ट चैप्टर? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसके पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए इस पूरे चैप्टर का मीनिंग क्या है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल का अर्थ क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ना क्या होता है? एंड हाउ इज ह्यूमन कैपिटल, हाउ इज ह्यूमन कैपिटल इज डिफर फ्रॉम, ह्यूमन कैपिटल इज डिफर फ्रॉम फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज डिफर्ड फ्रॉम फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। तो सर क्या समझाना चाहते हो चैप्टर के स्टार्टिंग में? तो सबसे पहले तो एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास दो कंपनीज हैं, एक रिलायंस है मान लो, एक टाटा, या दो फ्रेंड्स की दो कंपनी है, एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है, किसी का अगर नाम ना लूं। इस कंपनी की कैपिटल है 50 करोड़, इस कंपनी की कैपिटल भी है 50 करोड़। इस कंपनी में मशीन्स आई है एग्जैक्टली तब सारी मशीन्स आई यूएस से, इस मशीन में भी सारी मशीन आई है यूएस से। दोनों कंपनी की लोकेशन बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, मतलब ग्राउंड ए पे ये मशीन है और ग्राउंड बी पे ये फैक्ट्री है, तो लोकेशन सेम है। आया समझ में कि नहीं आया? सर दोनों मशीनें जो प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्रोडक्ट भी क्या है, प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम है। दोनों मोबाइल्स में डील करती है, ये भी मोबाइल बनाती है और ये भी क्या बनाती है, मोबाइल। सर दोनों की जो मोबाइल लॉन्चिंग प्राइस है, इसका मोबाइल भी 35,000 का है और इसका मोबाइल भी 35,000 का है। फिर ऐसा क्या है कि कंपनी एक्स की सेल्स 200 करोड़ है और कंपनी वाई की सेल्स 8,000 करोड़ है। दोनों कंपनियां एक ही जगह पे हैं, एक जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, पहली बात तो एक ही जगह पे एक जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, और उसके अलावा दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, मोबाइल बनता भी सेम तरीके से, जो इनकी इनपुट मशीनरी है वो भी सेम है। इसका मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो? मैं तो बोलना चाहता हूँ कि जब दोनों कंपनियां एग्जैक्टली सेम जगह पे हैं, एग्जैक्टली एक ही जगह पे हैं, तो दोनों कंपनीज में क्या फर्क हो सकता है कि एक की सेल 200 करोड़ और दूसरे की 800 भी नहीं, 8,000 करोड़। कैन एनीवन टोल मी क्या डिफरेंस हो सकता है इन दो क्वालिटी कंपनियों में? क्या बेटा? हो सकती है और एडवर्टाइज। अगर दोनों कंपनी में बिल्कुल, प्रथम ने साइड सही बात पकड़ना चालू करी, कहते हैं सुहानी ने सही बात पकड़ना चालू करी। सर देखो दो कंपनियां एग्जैक्टली फाइनेंशियली सेम हो सकती हैं, फाइनेंशियली सेम हो सकती हैं। दोनों कंपनी की मशीन सेम है, लोकेशन सेम है, प्रोडक्ट, तो दोनों कंपनियां फिजिकली सेम हो सकती हैं। फिजिकली सेम हो सकती है मतलब क्या, सारे रिसोर्सेस सारे एसेट सेम हो। लेकिन सर एक बात बताओ, दोनों कंपनी की ह्यूमन कैपिटल, सर ह्यूमन कैपिटल का मतलब इस कंपनी के एम्प्लॉइज, इस कंपनी के मैनेजर्स, इस कंपनी के सीईओ और इस मतलब इस कंपनी के मैनेजर्स, इस कंपनी के एम्प्लॉइज, इस कंपनी के सीईओ, इस कंपनी के बाकी लाइन मैनेजर्स का दूसरी कंपनी से एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं क्या? सर कैसे सेम होंगे, ये तो दो अलग अलग लोग है ना। तो सर यहाँ के मैनेजर्स, यहाँ का सीईओ, यहाँ के एम्प्लॉइज, यहाँ का कहते हैं वर्क स्टाफ, ये अलग है और इसका अलग है। बेटा इसका विजन अलग है, इसका विजन अलग है, दोनों की सोच में फर्क आ चुका है। सर दोनों ने पैसा सेम लगाया, दोनों ने पैसा सेम लगाया, प्रोडक्ट सेम बनाया, जगह सेम है, मशीन एक ही जगह से बनाई, लेकिन फर्क क्या है? अगर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को आज से ज्यादा नहीं, आज से 10 साल पहले इक्वल इक्वल रिसोर्सेस मिल चुके थे, अनिल अंबानी की और मुकेश अंबानी की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वेल्थ सेम थी, तो ऐसा क्यों हुआ इन 10 सालों में कि मुकेश अंबानी ने अपनी वेल्थ को और 10 गुना कर लिया? मतलब रिलायंस जियो ले आया, रिलायंस पेट्रो ले आया, जियो ऐप ले आया, जियो फोन ले आया, सब ले आया, और अनिल अंबानी दिवाला हो गया। अनिल अंबानी के पास अब अपने पास खुद के लिए 50-60 करोड़ रुपए से ऊपर बचे ही नहीं है। मतलब अनिल अंबानी के खिलाफ तो केसेस चल रहे हैं कि उसने लोगों का पैसा नहीं उठाया। तो सर क्या फर्क पड़ गया दोनों भाइयों को एक प्रकार से फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, मटेरियल कैपिटल सेम मिली थी, लेकिन एक भाई ने उस कैपिटल के लाखों करोड़ गुना कर लिए, जिसने अपनी बेटियों की शादी में सलमान खान शाहरुख खान को नचा लिया और एक दना दिवाला हो गया। दोनों में क्या फर्क है? आज अगर मैं आपको बताऊं कि दो सेम सेम स्कूल होते हैं, दो एग्जैक्टली सेम स्कूल होते हैं, दोनों स्कूल चिपके हुए रहते हैं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं खंडवा रोड पे बहुत सारे फेमस स्कूल्स हैं, तो दो स्कूल बिल्कुल सेम है, दोनों स्कूल में सेम सेम ग्राउंड्स हैं, दोनों स्कूल में सेम एक्टिविटीज होती हैं, दोनों स्कूलों की फीस भी सेम है, फिर भी ऐसा क्यों होता है
एक स्कूल अपने नाम के कारण, अपने टैलेंट के कारण बहुत ज्यादा फेमस होता है, और एक स्कूल उसके पास में स्कूल है, सेम ग्राउंड, सेम फैसिलिटी, सेम मशीनरी, सेम क्लासेस, लाइव क्लासेस, सारी चीजें उस स्कूल में भी सेम है, लेकिन वो स्कूल आगे नहीं बढ़ पा रहा। सर, उन दो स्कूलों में से क्या फर्क हो जाता है, उन दो स्कूलों में से क्या डिफरेंस हो जाता है कि दो स्कूलों के स्कूल, ग्राउंड, हर चीज सेम है, जो पैसा लगाया है वो सेम है, तो दोनों स्कूल में क्या फर्क हो जाता है? सर, दो तीन चीजों का फर्क होता है। एक, दोनों स्कूल के प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं। जब दोनों स्कूल के प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं तो दोनों स्कूल के प्रिंसिपल्स के विजन अलग होते हैं, दोनों प्रिंसिपल्स का नॉलेज अलग होता है, दोनों प्रिंसिपल की सोच अलग अलग होती है, दोनों प्रिंसिपल का डिसिप्लिन वाला क्राइटेरिया अलग होता है। सर, स्कूल की उसी कारण से फिर फैकल्टी क्या होती है, फैकल्टीज अलग अलग क्राइटेरिया सेलेक्ट होती है। और सर, आप मानो चाहे नहीं मानो, चाहे आपकी जो कोचिंग चल रही है या जो इंदौर के स्कूल चल रहे हैं, आप भले कितनी भी ब्रांडिंग बोल दो, बेटा ब्रांडिंग के कारण नहीं चल रहे हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी डिलीवरी के कारण चल रहे हैं। तो सर, आप समझाना क्या चाहते हो? मैं समझाना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है, ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, ये जो तुम्हारे स्कूल में अलग अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका है, क्या वो तुम्हारे स्कूल की ह्यूमन कैपिटल है क्या? हाँ बेटा, वो तुम्हारे स्कूल की ह्यूमन कैपिटल है। आपको पता नहीं है, बड़ी बड़ी फर्म, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग अपने एम्प्लॉयज को 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की सैलरी देते हैं, ताकि ये एम्प्लॉय इनको छोड़ के ना जाए। क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अपनी R&D वाली दूसरी कंपनी, ये जो तो MI भी हो गई, अलीबाबा भी हो गई, इनके जो टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक की सैलरी बांटते हैं। क्योंकि क्योंकि इनको ये चाहिए कि जो इन एम्प्लॉयज का माइंड लग रहा है, इस प्रकार से ये चीजों को उठाते हैं। अब मुझे बताओ, एयरटेल की एक नई ऐड आ रही है, मैंने कल परसों देखी वाली, वो कंप्लेंट वाली देखी क्या किसी ने, कि हमको ये देखना है कि हमारी कितनी कंप्लेंट हर एरिया में, वो रेड रेड कलर के वो बना के रखते हैं। तो सर, ये एयरटेल की एक प्रकार की नई ऐड, नई ऐड कैसी, कि कितने कितनी कंप्लेंट है हमारे खिलाफ, कितनी कितनी कंप्लेन आ रही है। सर, ये क्या एक प्रकार से नया टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं हो गया, जो लोगों को फोकस करेगी, यार ये एयरटेल वाले कैसे पागल है, और हम बोल भी रहे हैं इट्स इम्पॉसिबल, वो क्या बोल रहे हैं, इम्पॉसिबल तो है लेकिन हम करेंगे, हम लोगों की कंप्लेन का लेवल जीरो करेंगे। सर, इसका मतलब वो चाहते क्या है, वहां का जो कंपनी का सीईओ होगा, जो एड मैनेजर होगा, उसने कितनी अचानक नई एड बना दी ना, कि उसने एड में ना तो कोई स्टार लिया, ना तो शाहरुख खान लिया, ना कोई बहुत बड़ा स्टार लिया, उसने अचानक एक नई एड बना दी कि ये हम दिखा रहे हैं कि हमारे कंप्लेन का लेवल क्या हो, जिस दिन तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। बेटा, ये आइडिया क्या पैसों से आ सकता है क्या? ये आइडिया फाइनेंस से आ सकता है क्या? नहीं सर, ये तो उनके जो कंपनी के सीईओ हो गए, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हो गए, तो वहां की क्या है, ह्यूमन कैपिटल। तो क्या अब आपको एक बात समझ में आई? मैं एक और एग्जांपल दूंगा, देश पिछले 10 साल उनके हाथ में था, इनका डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ में, और इस 10 साल नरेंद्र मोदी के हाथ में, क्या दोनों के पास देश वही है क्या? सर देखो, दोनों के पास जो चलाने के लिए देश था वो तो भारत ही था, एक बात ध्यान रखना, जो खजाना इसके पास था वो खजाना उसके पास था, तो पूरा देश की रिसोर्सेज इसके पास थे, वो पूरे देश के रिसोर्सेज इसके पास भी हैं, तो भी एक ने एक अलग लेवल पे चलाया, दूसरा एक अलग लेवल पे चला रहा है, तो क्या दोनों को जो राज करने के लिए देश मिला था, क्या वो देश अलग अलग था कि सेम देश था? सर देखो, सेम देश था, सेम सब कुछ था, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो नॉलेज, स्किल और एबिलिटी थी वो अलग थी, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नॉलेज, स्किल और एबिलिटी, वो क्या है, अलग। सर, उसकी ह्यूमन कैपिटल, उसके साथ में जो काम करना था डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में, जो उनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो अलग थे, और जो इसके कैबिनेट मिनिस्टर है वो अलग है, उनका क्राइम का रेशो अलग था, इनका क्राइम का रेशो अलग है, उनकी सोच समझने की इच्छा शक्ति अलग थी, इनकी सोच समझने की इच्छा शक्ति अलग है, और दो अलग अलग प्रकार से देश चल रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ मोदी जी अच्छे हैं या मनमोहन सिंह अच्छे हैं, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, एक बंदा अचानक पार्टी ज्वाइन करता है और पूरे वर्ल्ड का एक प्रकार से लीडर बन जाता है, मतलब डॉक्टर नरेंद्र मोदी है वो पूरे वर्ल्ड का एक्चुअल लीडर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत लोग इसको लुक अप टू करते हैं कि बंदा कितना खड़ा है, अपनी बातों में खड़ा रहता है, अपनी बातें करके दिखाता है। उससे क्या फर्क है दोनों के अंदर, देश तो वही था ना, पैसे तो वही थे ना, रिसोर्सेस तो वही थे ना। तो सर, अभी तक आपने जो इतनी जोर से फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है, एवरीडे एक बुक में लाइन लिखी हुई है, और उस पर कमेंट करने के लिए आया था, उस पर कमेंट करने के लिए आया था लास्ट है किसी बच्चे की प्री बोर्ड में, एवरीडे यू सी दैट योर एसेट्स आर वॉकिंग वॉकिंग डाउन फ्रॉम योर ऑफिस मेक श्योर
मेक श्योर दे विल कम बैक टुमॉरो। अब इस पे क्वेश्चन आ गया था 4 मार्क का, और ये लाइन है आपके बुक की। और कमेंट कमेंट, तो इस लाइन का मतलब क्या है? उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कमेंट कमेंट। तो ये लाइन क्या बोल रही है कि हर दिन आपके ऑफिस से आपके एसेट्स चल के जाते हैं, ये इंश्योर कीजिएगा कि वो सेकेंड डे वापस आए। तो सर कौन सा एसेट चल सकता है? क्या तुम्हारा पैसा अपने आप चल सकता है? क्या तुम्हारी मशीनरी अपने आप चल सकती है? क्या तुम्हारा प्रोडक्ट्स अपने आप चल सकते हैं? नहीं सर, आपका एक ही एसेट है, आपकी ह्यूमन कैपिटल, आपके एम्प्लॉयज। आज किसी बड़े स्कूल से बोलूं कि वो अपने फैकल्टीज को संभाल के रखे तो बहुत जरूरी है बेटा। अगर स्कूल में वो फैकल्टीज नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्कूल भी खत्म हो जाएगा। हाँ सर, ऑटोमेटिकली वो स्कूल भी खत्म हो जाएगा। तो सर ये किसके बारे में बात हो रही है? ह्यूमन कैपिटल के बारे में। और बुक ने तो क्वेश्चन क्या करा, सिर्फ इसको लिख के कमेंट कर दिया, बस कमेंट। अब सर इसके बाद क्या होता, आधे से ऊपर बच्चे का दिमाग गुम हो गया कि सर ये चैप्टर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, और अगर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है तो इस चैप्टर का क्वेश्चन तो है, चलो माना सर क्वेश्चन है, लेकिन 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 इस पे लिखें क्या, लिखें क्या? तो बेटा ये पूरा ह्यूमन कैपिटल है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल कौन है सर? कैसे मान लिया जाए किस देश की ह्यूमन कैपिटल अच्छी है? इंडिया की अच्छी है कि चाइना की अच्छी है कि यूएस की अच्छी है, किसकी? भैया डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ बेटा बोलो। भैया हाँ जो आपको दी हुई है डॉक्टर जीएम, डॉक्टर जीएम मेरियर की डेफिनेशन, काफी इजी डेफिनेशन है, आप चाहो तो इनका नाम भी कोट कर सकते हो। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, रिफर्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन विथ प्रॉपर स्किल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन नॉलेज नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी नेशन, विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हो? जी डॉक्टर जी एम मेरियर साहब ने जो डेफिनेशन बोली बहुत सिंपल बोली, जो अपन ने पढ़ा वही है। अब क्या सर आपने पढ़ा, आपने उनको सिखाया था के एस ए, उन्होंने भी के एस ए बोला। देखो नॉलेज भी बोल दिया, स्किल भी बोल दी, एबिलिटी भी बोल दी, बस उन्होंने एडुकेशन और एक्सपीरियंस ऐड कर दिया है। तो इस डेफिनेशन को अगर साथ में याद भी करना हो तो कुछ नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्या, एक्वायरिंग, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग क्या, क्या एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग क्या, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन जिनके पास क्या हो, के हो, एस हो, ए हो, ई हो, और ई हो मतलब एडुकेशन भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, जिसको हम यूज कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी नेशन में। तो अगर मैं फिर से बोलना चाहूं बहुत आराम से तो आप सुन सकते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग क्या, क्या नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन विद प्रॉपर नॉलेज स्किल एबिलिटी एडुकेशन एक्सपीरियंस, नॉलेज स्किल एबिलिटी एडुकेशन एक्सपीरियंस किसके लिए, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। अगर इसको यूं पढ़ोगे ना यूं तो बहुत टफ लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग क्या, नंबर ऑफ पर्सन, कोई से भी पर्सन चलेंगे, हर गरीब का बच्चा चलेगा? नहीं नहीं सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सन विद प्रॉपर नॉलेज स्किल एबिलिटी एडुकेशन एंड एक्सपीरियंस विच मे बी
हेल्पफुल फॉर द एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। तो सर क्या होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? सबसे पहले होता है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपको समझना हो बहुत ध्यान से, एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन। सर एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन का मतलब क्या है? नॉर्मली देश में HDI इंडेक्स चलता है, वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें अपनी कंट्री की रैंक है शायद 108, अब हुई, पहले तो 128 थी। तो अपन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मतलब जो कौन सा देश अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा पा रहा है, तो उसमें अपन बहुत आगे नहीं है, अपन 108वें नंबर पे, अपन 108 नंबर पे, ध्यान रखिएगा अपन बहुत आगे नहीं है। पर क्या डिटरमिनेंट होते हैं किस प्रकार से इस इंडेक्स में अपन नंबर वन पे आ पाए या आगे और ऊपर हो पाए? तो सर पहला होता है एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन। कौन सा देश अपने लोगों के लिए कितनी प्रकार से प्राइमरी एडुकेशन, सेकेंडरी एडुकेशन, प्राइमरी एडुकेशन, सेकेंडरी एडुकेशन, वोकेशनल एडुकेशन, वोकेशनल एडुकेशन प्रोवाइड कर पा रहा है? उस देश में कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस का स्टडी पैटर्न कैसा है? सर क्या सर ये सब चीजें आपके देश के ह्यूमन डेवलपमेंट पर इफेक्ट करती हैं? हाँ बेटा ऐसा बोला जाता है। एक बात ध्यान रखना, इंडिया के जो लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं, वो वर्ल्ड के हर कोने में फेमस है। आज जो गूगल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ सुंदर पिचाई है, अपने वाला बंदा ही है। लेकिन क्या सुंदर पिचाई जैसे अपने पास लाखों लोग हैं क्या? नहीं यार सर, अपने क्या होता है, अगर अपने पास 135 करोड़ की पॉपुलेशन है तो बेटा फॉर मतलब बोलते ना, एक बहुत डरावना बस सत्य है, 135 करोड़ में से 60 करोड़ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। बेटा सर कैसी बात कर रहे हो, आपने तो आधी पॉपुलेशन को अनपढ़ बोल दिया। बेटा तेरी आधी पॉपुलेशन गरीबी में रहती है, तेरी आधी पॉपुलेशन गांव में रहती है, तेरी आधी पॉपुलेशन सरकारी स्कूलों में पढ़ती है। वो सरकारी स्कूल वाली पढ़ाई कैसी होती है तुझे पता है अच्छे से? जो तुझ जैसे और मुझ जैसे बच्चे हैं वो तो अपन शहरों के थोड़े बहुत बच्चे हैं यार। बेटा असली गरीबी देखनी हो स्लम्स देखो, जितना बड़ा बड़ा अपन कॉलोनी में नहीं रहते ना, उससे ज्यादा लोग एक झोपड़पट्टी में रहते हैं यार बेटा। तो क्या वो सब पॉपुलेशन है? हाँ बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन। सर सेकंड क्या है आपका? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सर इसका मतलब क्या? सिर्फ एडुकेशन से फर्क नहीं पड़ता, एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत प्यारा, बोलते हैं ना बिल्कुल जीनियस टाइप का बंदा है, लेकिन साला वो 10 में से 7 दिन बीमार रहता है, बिल्कुल सर कीकड़ा सा बच्चे होते हैं ना, ऐसी बॉडी उसकी, यूं यूं करके। अब उसकी ऐसी बॉडी कभी भी क्या होता है, कभी भी लुढ़क जाता है, ऐसा समझ। तो अगर वो बंदा ऐसा है, बंदा बिल्कुल जीनियस है, इस बंदा ये अपना, इसको बोलो बिल्कुल ये अपना पप्पू है, पप्पू मतलब जीनियस, सब कुछ आता है इसको, सारी सारी थ्योरम्स रटी हुई है, सब कुछ रटा हुआ है, लेकिन अपने पप्पू सारा आधा टाइम तो बीमार होता है, आधा टाइम स्कूल ही नहीं आ पाता। हाँ जब स्कूल आता है तब पढ़ाई एकदम पर करता है, लेकिन सर ऐसे पप्पू का क्या काम, ऐसे मैनेजर का क्या काम? तो सर आपकी बुक में लिखा हुआ है एक अच्छी लाइन, अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो सर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये राजा कि अगर आपके देश में प्रॉपर अच्छे से हॉस्पिटल्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, अगर आपके देश में प्रॉपर वैक्सीन्स नहीं है टू वेरियस पेंडेमिक्स और बिग डिसीजेस, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं बेटा हॉस्पिटल में, तभी उनको एड्स की और बहुत सारी बड़ी बड़ी महामारियों की वैक्सीन लगा दी जाती है। अगर आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो ना, तो पता करना आपके जो भी आपके बाबा मम्मी है, चाचा चाची जो भी है, वो उस बच्चे को प्रॉपर, और ये भी वैक्सीन जो होती है ना ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब सरकार पहले ही वैक्सीन लगा देती है। ये कोरोना की वैक्सीन के लिए अपन क्यों बोल रहे हैं, एक बार अगर कोरोना की वैक्सीन डेवलप हो गई तो जैसे नए बच्चे पैदा होंगे ना, पहले उनको टुस कोरोना के वैक्सीन कर देंगे। तो कोरोना की वैक्सीन कर देंगे, इससे क्या होगा, उनको कभी जिंदगी में कोरोना नहीं होगा। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? कोरोना के एंटीबॉडीज डेवलप करने के। तो सर आपके देश में एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कितना हो रहा है, ये सेकेंड पॉइंट होता है बेटा। थर्ड होता है आपके देश में कितना ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या बेटा, अपना देश को पहले इसी बात में बोलते थे कि इंडिया के लोग तो बस पड़क्कड़ है, पड़क्कड़ मतलब क्या, सिर्फ रटके आ जाएंगे, कुछ काम करना नहीं आता। तो आपके देश में कितनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो रही है, आपके देश में कितनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो रही है, कितनी आर्टिकलशिप हो रही है, जैसे सीएस के आर्टिकलशिप होती है ना, कितने स्कूल के बच्चे
एमयूएंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आप लोग एमयूएंस में पार्टिसिपेट करते हो, और कितने वोकेशनल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम जिसमें बच्चा जाके एक्चुअल जॉब पे जाके सीख सके। तो आपके देश में कितनी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, क्या इससे भी आपके देश के HDI इंडेक्स को फर्क पड़ता है? द आंसर इज यस। सर अगला, आपके देश में कितने स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स? अब क्या होता है ना, अपन लोग बोलते हैं कि पढ़ने की उम्र होती है, अमेरिका में, यूएस, अमेरिका में जाओ आप, यूके में जाओ, वहां पर बताओ, कभी कभी आपको कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो बोलो 50-50 साल के अंकल मिल जाएंगे, अंकल भी नहीं दादा। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं मैं अपना एमबीए कर रहा हूँ, मैं पहले नहीं किया था क्या? बोला हम ना सेकंड एमबीए कर रहे हैं। सेकंड एमबीए कर रहे हैं मतलब क्या, कि आपके यहाँ जो एडल्ट है उनके लिए, जैसे अगर तुम लोग देखो तो बहुत बार तुम्हारे टीचर्स की वर्कशॉप होती है, सर टीचर की वर्कशॉप होती है, कभी कभी तुमको पीरियड फ्री मिल जाता है ना, तो तुमको मालूम पड़ेगा टीचर की वर्कशॉप होती है। तो क्या सर ये वर्कशॉप में टीचर को पढ़ाना सिखाते हैं? हाँ, टीचर्स को नए मेथड ऑफ टीचिंग सिखाते हैं, नए तरीके से कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, नए तरीके से कैसे पढ़ाया जाए। सर क्या गांव में इवनिंग स्कूल होते हैं? हाँ बेटा, गांव में इवनिंग स्कूल, नाइट स्कूल्स होते हैं, इवनिंग स्कूल्स, नाइट स्कूल्स। आजकल ये जो विवेक बिंद्रा कर रहा है वो क्या कर रहा है, विवेक बिंद्रा जितने ही प्लान्स कर रहा है बच्चों के लिए तो कर रहा है, तुझसे मुझसे से बच्चों के लिए, वो तो स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स बोलते हैं, बड़ा बिजनेस। तो बड़ा बिजनेस का मतलब क्या, अगर आपको फिर से अपना बिजनेस चलाना सीखना हो तो आप भैया बिंद्रा जी के पास चले जाए, विवेक बिंद्रा जी के पास चले जाइए, वो आपको बिजनेस के वापस से टेक्निक्स और तरीके सिखा देंगे। तो सर ये होता है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइग्रेशन। सर माइग्रेशन मतलब तुम्हारे देश में कितने लोग इंडिया से माइग्रेट करके बाहर वाले देश में चले जा रहे हैं, और आपके यहाँ कितना एमिग्रेशन हो रहा है और कितना इमिग्रेशन हो रहा है। एमिग्रेशन मतलब क्या, आपके देश के लोग अगर यूएस, यूके, यूएस, यूके, फ्रांस अगर इस तरफ जा रहे हैं, तो तुम्हारा जो एक्चुअल पढ़ा लिखा क्राउड है वो चला गया, और फिर तुम्हारे पास इमिग्रेशन किसका हो रहा है, तुम्हारे देश में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? सर हमारे देश में भी आते हैं ना, वैसे हमको देश में छोटा मोटा सारे नेपाली भाव आते हैं अपने पास बांग्लादेशी आते हैं, ये म्यांमार के लोग आ जाते हैं नीचे से, तो ये म्यांमार के लोग आ गए, ऐसे बहुत सारे सर छोटे, पाकिस्तान के भी बहुत लोग आते हैं सर, आपको पता नहीं है। तो सर आपके पास आपके देश की पॉपुलेशन जा कहाँ रही है और आपके देश में कौन सी पॉपुलेशन आ रही है, क्या इससे भी फर्क पड़ता है? टू बी वेरी फ्रेंक, यस इससे भी फर्क पड़ता तो है। तो ठीक है, आपकी बात ये हमने समझ ली, अगर आपने मेरी ये बात समझी तो सर व्हाट नेक्स्ट, मेरे पास सिक्स्थ वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो है एक्सपेंडिचर ऑन R&D। एक्सपेंडिचर ऑन R&D, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी को आप बोल सकते हो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तुम्हारे, मैं कैमरा ऊपर कर दूं। हाँ तुम्हारे देश में इंफॉर्मेशन पे कितना खर्च हो रहा है? सर इंफॉर्मेशन मतलब अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे देश में कौन सा नए नए मोबाइल की जो रिसर्च हो रही है, नया मोबाइल लॉन्च करना, अब फिंगर टच वाला, ईयर अलर्ट टच वाला, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग से हो जाए, आई स्कैनिंग, आई रेटिना स्कैनिंग से वो हो जाए, ऐसी कितनी रिसर्च हो रही है? तुम्हारे देश में इसरो पे कितना खर्च हो रहा है, मतलब तुम कितना इंफॉर्मेशन के ऊपर खर्च कर रहे हो, कितना नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें बनाने पे कितना खर्च कर रहे हो, क्या इन सब चीजों को मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है? हाँ बेटा। तो सर आपने क्वेश्चन क्या पढ़ा मुझसे, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, और उस क्वेश्चन का मतलब था कि क्या डिटरमिनेंट्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, क्या डिटरमिनेंट्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, तो सर ये सब डिटरमिनेंट्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो बेटा कोई डाउट क्या बेटा?